रियलमी का दलाल फिर से आ गया मनोरंजन करने के लिए आज फिर से एक और कमेंट आया है। उनका नाम पता नहीं क्या है नेत रसूल है ना? लिखते है भाई, तुमसे चैनल नहीं चलने वाला चलो ठीक है जिससे चलेगा ऋतु तो रहते। रहते। राज कमेंट आया था कि उन्होंने बोला की सेल में तो बाईस का आपका है और सोलह का ओप्पो है तो उन्होंने ओप्पो ऑर्डर कर दिया ये वैल्यू फॉर मनी रहेगा आपको कमेंट दिखा दूंगा मैं देख लीजिएगा वीडियो उनके लिए और ऐसे बहुत सारे आप जिससे सबके लिए जिनको इन दोनों में कंफ्यूजन

So, दोनों के डिजाइन के बारे में बात करें तो दोनों अलग एलडी है आपका राउंड शेप में एक शेप में थिकनेस की बात करें तो दोनों ही पॉकेट फ्रेंडली है कोई परेशानी वाली बात आने वाली नहीं है इसमें रियलम ओपो की ब्रांडिंग यहाँ पर रियलमी की ब्रांडिंग यहाँ पे नीचे देखेंगे तो टाइप सी का पोर्ट है लेकिन ओप्पो में टाइप सी के पोर्ट के साथ आपको ऐसा एलईडी इंडिकेट मिल जाता है जबकि इसका एलईडी इंडिकेटर इंडिकेटर नीचे मिलता है यहाँ पे दोनों ही ओपन करने पे ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में चला जाता है आपको मैनुअल पेयरिंग करना है ओप्पो को तो निकाल के आपको ऐसा टच एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा पांच सेकंड तक और होता है जनरली ऐसा जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि जैसे ही आप ओपन करोगे तो ये पेयरिंग मोड में चलते थे आपको आपको दिखा देता है ये देखिए पेयरिंग मोड में चल देता है व्हाइट कलर का ओके, ये बर्ड्स को आप देख लीजिए यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा है दोनों का अलग है प्लेसमेंट ऐसा उल्टा करके रखा तो ये ऐसा फ्रंट में है दोनों का मैग्नेट्स अच्छे है लिड भी बंद नहीं होता है अच्छा हार्ड है भी अच्छा ही है कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं है ये को देख लेते हैं ईयरबर्ड्स को जैसे कि आप देखेंगे दोनों का जो शेप है मतलब ये जो हाउसिंग का शेप है दोनों का सेम ही है लेकिन लेंथ बोलोगे स्टेम का लेंथ इसका लंबा है और इसका थोड़ा सा छोटा है दोनों के लिए टच सेंसर्स के लिए यहाँ पे ऐसा इन्वे करके दिया गया है दोनों में ही कोई परेशानी नहीं देखेंगे तो दोनों के मैग्नेट्स है चार्जिंग पॉइंट्स है इसमें आपको मैं यहाँ पे एक माइक दिखने वाला है इसमें भी यहाँ पे एक माइक है लेकिन आपका टी में भी दो माइक दिया गया है एक माइक यहाँ है या तो फिर एक माइक यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है एक माइक तो ये है कन्फर्म और काफी अच्छे तरीके से काम करता है इसका इसमें भी सिंगल माइक है ये भी अच्छे तरीके से काम करता है लेकिन एक माइक यही है इसका और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको स्पीकर इसमें तो डिजाइन बिल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों के डिजाइन बिल्ड अच्छे ही है सबसे पहले हम लगाते हैं ये ओप्पो इनक बट्स टू अब इसको देखते हैं कैसा होता है अपने इयर्स में और अच्छा फिटिंग है कोई दिक्कत परेशानी बात है फिर भी नहीं गाइस जिम विम में रहोगे कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं है टू में तो ओके गाइस और मैं सबको टेस्ट ही कर चुका ऑलरेडी फिर भी आप लोग को दिखाना जरूरी है गिरेगा कि नहीं गिरेगा इसलिए मैं लगा लेता हूँ तो अभी टेस्ट करते चलिए नहीं गिर रहा है कोई दिक्कत नहीं है ये थोड़ा ढीला हुआ मेरे ईयर पे के लार्ज ईयर टूस लग ये, ये, ये मीडियम में फिर भी ये अच्छा फिट बैठे ये थोड़ा सा ढीला हुआ था ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं इतना

ओके okay, यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हैं बैटरी बैकअप है विदाउट ए का दोनों में ही ए क्वालिटी मिलता है एसी एस सी दोनों है लेकिन हमने ए क्वालिटी में टेस्ट किया है और जो आप टेस्ट देख रहे हैं मेरा हंड्रेड परसेंट वॉल्यूम पे रहता है और जो कंपनी जो क्लेम करती है कि कितना मिलता है वो हर समय वो 50 परसेंट वॉल्यूम पे ही करती है okay? ओके ओके okay, सभी जो आप देख रहे हैं ये बैटरी बैकअप देख रहे हैं ए के साथ ओपो एन को बस टू में आपको एनए नहीं मिलता है जबकि आपको रेलवे बस टी थ्री हंड्रेड में ए मिलता है थर्टी डीबी का रहता है तो मैंने उसमें भी टेस्ट लिया क्योंकि उसमें इन डिटेक्शन है नहीं तो कोई झंझट नहीं है वो मैं टेस्ट करने के लिए रख दिया था तो आपके सामने जितना लिखा है पूरा मेरा हंड्रेड वॉल्यूम पे टेस्टेड है लिखा लीजिएगा वीडियो पॉज करके सभी ज आप देख रहे हैं दोनों का चार्जिंग टाइम देख रहे हैं पे थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा ओपो एन को बट्स टू को चार्जिंग होने तीन घंटा बीस मिनट लगता है हां। मतलब अब तक का जितना भी मैंने टेस्ट किया दो घंटे के ऊपर किसी का नहीं है लेकिन ये तीन घंटा बीस मिनट आपको लगता है इतना चार्ज होने और फास्ट चार्जिंग में भी जैसे दस मिनट सेवन आवर्स चलता है ये वैसा नहीं चल पाता है दस मिनट में सिर्फ एक घंटे ही चलता है फिफ्टी परसेंट वॉल्यूम भाई कमी क्लीस कर जाए वीडियो पॉज करके देखिए डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा कमेंट करके ओके okay, आपको चार्ज कैसे करना है स्लो चार्जर यूज करेगा मेरा बोलना काम है बाकी आप लोग की मर्जी लैपटॉप हो गया पावर बैंक हो गया दस वोट का चार्जर हो गया यह सबसे स्लो चार्जिंग करिएगा मैं करता हूँ मैं बस रिकमेंड कर सकता हूँ बाकी आपको करना ना करना आपकी मर्जी आई so, सो मैं अभी क्विक आप लोग को इसका कनेक्टिविटी दिखा दे रहा हूँ और आपको ऐप सपोर्ट का जो जो चीज़ें वो भी अभी दिखा दे रहा हूँ हम इसको अभी बंद करते हैं ये रियलमी का फोन है रियलमी नाइन प्रो प्लस है ओके अभी मैं इसमें से ऑफ करता हूँ ब्लूटूथ ये देखिए हम इसको खोलेंगे यहाँ पे तो इसमें ये तुरंत ऐसा कनेक्ट हो जाता है और इसमें आपको फास्ट पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं दिखा रहा है कभी दिखाता है कभी नहीं दिखाता है ये ड्री है ओप्पो को हम वापस से कनेक्ट करते हैं ये रियलम का फोन है ये देखिए बंद करा मैंने डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ पे हम यहाँ खोलते हैं देखिए आपको ये जो एनिमेशन मिलने वाला है यार ओपो वन प्लस में मिलेगा आपको यहीं से आप सेटिंग्स में जा सकते हैं जैसे लिखा था या तो फिर आप आई बटन के अंदर जाएंगे और ईयरबड फंक्शन में जाएंगे तो ओप्प और वन प्लस में आपको ऐसा पूरा मिल जाने वाला है लेकिन वही बात करें आपका में जाएंगे आई बटन के अंदर जाएंगे तो ईयरबड फंक्शन आप जाओगे तो सिर्फ इतने ऑप्शन मिलेंगे कैमरा रिलेटेड सेटिंग्स फाइन माई ईयरबड्स मोर सेटिंग्स करना पड़ेगा तब जाके आपका रियलमी लिंक ऐप खुलने वाला फिर बाकी आपको रियलमी के लिए हर एक फोन में रियलमी लिंक ऐप आपको चाहिए ओके और जो मैंने आपको दिखाया ये आई बटन से जाने वाला ईयरबड फंक्शन दोनों में ये आपको सिर्फ ओपो रियलमी और वन प्लस में ही मिलने वाला है बाकी किसी ब्रांड के फोन में नहीं मिलने वाले Okay. और एक और अभी चीज में दिखा दे रहा हूँ आई बटन के अंदर जाएंगे ये बट फ़ंक्शन ये ओप्पो है ओप्पो में डॉल बेट मॉस जैसा दिख रहा है ये रियलमी का फोन है और इसमें डॉलबेट मॉ से करके आपको यहाँ पे डॉल बेट मॉस दिखा रहा है ओके okay. और टी में जाते हैं रियलमी लिंक एप आ गया और इस वजह से डॉलबेट मॉस आपको दिख रहा है ये रियलमी का फोन है करके और रियलमी के फोन में डॉल बेट मॉस है करके दिखा रहा है दोनों में आपके रियलमी और ओप्पो के फोन में दोनों में या तो फिर वन प्लस के फोन में आपका डॉलबेट मॉस होना चाहिए तभी ऐसा ऑप्शन दिखाएगा ओके बाकी किसी ब्रांड में आपको ये बट फंक्शन में जाकर ऐसा आई बटन के अंदर ये बट फंक्शन में जाकर ऐसा नहीं दिखाएगा नहीं डॉलट मॉस दिखाने वाला है और ओप्पो के थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स में दिखा देता हूँ ये एनिमेशन तो आपको सिर्फ ओपो और वन प्लस मिलने वाला है ओके और रियलमी का भी फोन होने से तभी ऐसा दिखाएगा जैसे कि रियमी नाइन ये बट फंक्शन में जाते एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है सिर्फ एक कैमरा रिलेटेड सेटिंग्स मतलब आपने ईरफोस को निकाले डबल टैप किया तो क्लिक हो गया वही फोटो फोटो वाला और डॉलमेट पॉस ये दोनों चीज मिल रहा है लेकिन वही है ओप्पो रियलमी और वन प्लस के फोन में ही मिलेगा आपको ओके गाइस ओके okay, इस दोनों का अभी मैं ऐप आप सपोर्ट आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है ओके okay, आप देख सकते हैं ये एन को बड्स दिखा है दोनों में ही आपको ये के, केस की बैटरी है बर्ड्स की बैटरी दिखा देता है नॉइस हैं आपको टी थ्रीड में मिलेगा इसमें नहीं है ये आपका इक्वलाइजर इसमें तीन ही मिलने वाला है इसमें आपका चार इक्वलाइजर और एक कस्टम इक्वलाइजर ये आप देख लीजिए ये मैसेज सेट करके रखता हूँ अपने लिए हर एक डब्ल्यू एस में सेट करता काफी अच्छा बैलेंस साउंड आता है ओके और यहाँ पे आपको गेम मोड मिलेगा इसमें गेम मोड दिखा रहा है ओपो एन को बस टू में क्योंकि ये नॉन रियलमी वन प्लस फोन है ये एमआई का फोन है करके इतना दिखा रहा है लेकिन अगर आपके पास रियलमी ओपो एन वन प्लस का फोन होगा तो आपको गेम मोड नहीं मिलने वाला है इसमें क्योंकि ऑलरेडी नेगेजल रहता है तो गेम मोड नहीं देते तो लेकिन नॉन ओपो फोन नॉन रियलमी फोन प्लस फोन में आपको बड्स टू में गेम मोड मिलने वाला है यहाँ पे देख सकते और आपको कुछ नहीं है ठीक है नीचे लेकिन यहाँ पे देखिए इक्वलाइजर यहाँ पे दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया लेकिन यहाँ पे आपको स्पेशल ऑडियो मिल जाता है D300 में जो कि अच्छा काम करता है वॉल्यूम आंसर भी आपको इसमें मिल जाता है जो कि पता चलता है कि गेम मोड इसमें हर एक फोन के लिए मिल जाएगा आपको कैमरा रिलेटेड सेटिंग्स इसमें दिखा रहा है क्योंकि ये रियलमी का फोन है और फाइन माई ईर बड्स भी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये रियलमी का फोन है इसलिए फाइन माई फोन आपको कॉमन मिल जाएगा रियलमी बस थ्री हंड्रेड में अब यहाँ पे टच कंट्रोल्स की बात करते हैं जो मैं बोल रहा था कि प्रॉब्लम है थोड़ा जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप सिंगल डबल ट्रिपल और टच एंड होल्ड का है और, और, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल ट्रिपल और टच एंड होल्ड यहाँ पे एक मिसिंग है सिंगल टैप इनको देना चाहिए था रियलमी वालों को क्यों बता रहा हूँ सिंगल टैप में देखिए प्ले पॉज हो गया डबल में हम प्रीवियस नेक्स्ट रख सकते हैं वॉइस असिस्टेंट गेम अपने हिसाब से हम रख सकते हैं ट्रिपल में भी हम वैसे ही हो गया गेम मोड रख सकते हैं असिस्टेंट रख सकते हैं दोनों में लेफ्ट ट्रेक में कुछ भी आप रख सकते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम आप मतलब जितनी चीजें इसमें दी गई है ओप्पो में वो इक्वली डिवाइडेड है हमको सोचना नहीं पड़ेगा लेकिन आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा जैसे कि प्ले पॉज हो गया है ना इसमें दोनों में चलो प्ले पॉज नेक्स्ट ट्रैक में आप देखिए प्रॉब्लम

किया ये ऐप सपोर्ट का आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओके गाइस अभी जो आप देख रहे हैं ये इसका ऐप सपोर्ट देख रहे हैं जो-जो डिफरेंसेस हैं मैंने रेड एरो से मार्क कर दिए हैं बिल्कुल वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा सो so, दोनों का कॉलिंग का बात करते हैं या फिर दोनों का कॉलिंग कैसा है देखिए दोनों का कॉलिंग अलग है एक में आपको सिंगल माइक मिलता है जो कि ओप्पो जबकि रियलमी में आपको डुअल माइक मिलता है और रियलमी का जो माइक बढ़िया काम करता है विंडी सिचुएशन में भी फैन के सामने भी फैन एकदम में अपने पास लेके आ गया तो भी फैन के नीचे भी मतलब अपना वॉइस एकदम क्लियर जाता है एकदम कोई प्रॉब्लम जबकि रियल ओप्पो का माइक सिंगल है फिर भी वो भी अच्छा परफॉर्म करता है लाउड परफॉर्म करता है और दोनों मतलब फिर विंडी सिचुएशन अगर आएगा तो उतना ढंग से नहीं काम कर पाएगा ओप्पो क्योंकि सिंगल माइक है सामने से विंड विंड पास होगा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा और वाइल्ड राइडिंग दोनों ही काम नहीं आने वाले आपके कुछ भी कर लो हेलमेट पहनना ही पड़ेगा आपको राइडिंग करते वक्त बात करना है तो आपको helmet wear करना ही पड़ेगा ओके okay? और दोनों ही में में काम नहीं आने वाले मतलब अगर आपके गाने बज रहे आप वैसा कुछ सोच रहे हो तो बिल्कुल काम नहीं आने वाला है वैसा सब चीज आप ट्रिपल माइक हैं सिंगल और डुअल माइक वैसे फिल्टर आउट नहीं कर पाते माइक टेस्ट कॉल टेस्ट, टेस्ट अपन जो भी बोल सकते हैं मुझे बताएगा कैसा लगा आपको माइक टेस्ट सो so, सभी okay, अपडेट साउंड सिग्नेचर और वर्ड के बारे में बात करते हैं सबको समाप्त करके कि मैं करता हूं मैं देखिए अपडेट दोनों में आया होगा तो मैं भूल चुका हूं मुझे याद नहीं अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट्स होंगे तो मैं बिल्कुल आपको दिखा दूंगा फिलहाल तो सबसे पहले जो मेन रहता है साउंड के बारे में बात करते हैं देखिए अगर आपको सिर्फ साउंड से मतलब है कॉलिंग नहीं चाहिए आपको एन नहीं चाहिए डोल स्पेरिंग स्विचिंग वो सब नहीं चाहिए कस्टम इक्लाइजर नहीं चाहिए सिर्फ ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना है मेरे को और कॉलिंग भी आपको उतना मैटर नहीं करता है तब आप लीजिए वो पोइन को बड्स ट्रू अब अब इसका साउंड सिग्नेचर के बारे में बात करते हैं इसमें बेस भी अच्छा है मीट्स भी अच्छे जो कमी आपको लगेगा वो ट्रेबल की लगने वाली है तो उसके लिए मैं अगर आपको ज्यादा टी थ्री हंड्रेड तक छो पांच सौ रुपए खर्च करना नहीं चाहते तो साउंड ब्यूटीफायर यूज करिए उसमें आप ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लीजिए बस आपका काम हो जाएगा काफी अच्छा आपका uh, आप साउंड क्वालिटी हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं टी थ्री हंड्रेड टी थ्री हंड्रेड ऐसा है उसमें कस्टम इक्वलाइजर मिलता है स्पेशल ऑडियो मिलता है तो वो दोनों जो है ना कस्टमी को स्पेशल ऑडियो डस मेक अ डिफरेंस सीरियसली एकदम अलग से क्योंकि स्पेशल ऑडियो रियलम बटर फाइव में भी नहीं गया उसमें ए एनसी भी मिल जाता है एक ओवरऑल पैकेज बोले तो उसमें आपको कॉलिंग भी अच्छा मिल जाता है इंडोर दोनों कॉलिंग की बात करें ओप्पो या रियलम वाइल राइडिंग दोनों काम नहीं होने वाला है आप ये चीज़ समझिएगा क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे तो कोई भी काम नहीं करने वाला वाइल राइडिंग ओके और एक और बात दोनों वाइल जिम वम में रहोगे लाउड बैकग्राउंड नॉइस रहेंगे मतलब आपके बाजू में कोई बैठ के बात कर रहा है वो कोई फिल्टर नहीं होता है कोई भी टी डब्ल्यू एस आपके बाजू में बैठ के कोई इंसान अगर बात कर रहा है ह्यूमन वॉइस को कोई भी फिल्टर नहीं कर पाता है तो अगर आपको एक ओवरऑल पैकेज चाहिए तो ये रियलमी बस ट्री थ्री हंड्रेड जिसमें आपको एनसी मिल जाता है कौल, इंडोर कॉलिंग अच्छी मिल जाती है डोल का सेटअप है और इसमें सिंगल माइक है ना पहले वो बता दे रहे तो आप ऐसा चीजें कॉलिंग चाहिए ए एन सी चाहिए इक्वलाइजर चाहिए स्पेशल ऑडियो इफेक्ट अच्छा चाहिए एक बैलेंस मतलब पूरे ओवरऑल पूरा डिवाइस स्विचिंग भी मिल जाए सब चीजें और जो मेन आजकल रहता है एक जगह कमेंट रहता है मेरे पास डोलॉस के बारे में रियलमीट है उनके पास अब डॉलबी एट मॉ मैंने बोला था रियलमी ओपो और वन प्लस के फोन में मिलेगा लेकिन गाइस ऐसा है अगर आपके रियलमी ओपोन के फोन में अगर Dolby है ही नहीं तो वो कैसे सपोर्ट करेगा ये फोन्स। आपके फोन में होना चाहिए तभी आपको मिलेगा रियल में आपका डॉलबीट मॉस नहीं है तो आपको Dolby नहीं मिलेगा ऐप के अंदर ये चीज आपको समझनी पड़ेगी एक सिंपल सर फाइनल वर्ड के बारे में बात करते हैं अगर आपको सिर्फ म्यूजिक से मतलब बाकी एमसी कॉलिंग वो सबसे माइक इसका भी कॉलिंग ठीक है सिंगल माइक है इंडोर में अच्छा है आउटडोर आउटडोर में कुछ अच्छा अच्छा नहीं है डॉल माइक थोड़ा अच्छे से बैकग्राउंड का जो फिल्टर और ट्रैफिक नॉइस वो सब कर लेता है थोड़ा बहुत सिंगल माइक उतना नहीं कर तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट मारे तो जैसे मैं बोला जिसको सिर्फ म्यूजिक से मतलब है और ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए ना एनसी चाहिए नहीं चाहिए तो ये को टू। और हाँ साउंड ब्यूटीफायर मेरा मैं उसको नहीं कर रहा हूँ मेरे को मिल रहा मैं यूज कर रहा हूँ उसमें जाके आप ब्राइटनेस को फुल कर लीजिएगा अगर आपको बजट चाहिए तो यह टी फिर से लीजिए आपका पूरा पैकेज हो जाएगा इस टाइप का है और जो प्रॉब्लम मैंने बताया था प्रॉब्लम आपका टच कंट्रोल्स में रहेगा जैसे कि ओपो में जितनी टच पॉज हो गया स्ट्राइक हो गया ये सब चीजें जो है ना सब इक्वली है चार टैब्स

तो लाइक तो जरूर अगर अभी देख रहे तो बिल्कुल थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया अभी देखने के लिए इतना दूर तक सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अपने चैनल पर सपोर्ट करना चाहते तो यूपीआई चालू है सुपर थैंक्स चालू है और डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट के दोनों की लिंक तो प्लीज उसे लीजिएगा मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी सो so, गेस वीडियो में टिल